Good morning, students of class 5. Today we have learned about a new exercise of chapter 11. This is exercise 11.3. Before doing the question of this exercise, first of all we understand the concept of it. In this exercise we have learned about the addition of time and the subtraction of time. How will we perform this? Addition of time. Come on the example number 1, add 4 hour 30 minutes and 3 hour 50 minutes. Students, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे hours हैं two kinds of, जहाँ पे एक तो 4 hours है और एक 3 hours है. इसके अलावा हमारे पास एक 30 minutes है and 50 minutes है. हमें इन्हें क्या करना है? Addition. तो हमारे पास इसका करने का एक बहुत आसान तरीका है. हम क्या करते हैं कि जो hours और hours हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं एंड जो मिनट्स है हम उसे सेपरेट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आवर इज़ 4 आवर एंड द अनदर 3 आवर वी राइट इट लाइक दिस एंड द 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स. सो ईजिली जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही हम करेंगे. 30 + 50 इज 45 मिनट्स एंड 4 + 3 इज 7 आवर्स. अनदर एग्जाम्पल 2, एट 7 hour 50 minutes एंड 5 hours 40 minutes. अब हमें क्या करना है? 7 hours. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द 7 hour एंड अनदर 5 hour एंड नाउ द मिनट्स इज 50 मिनट्स एंड द 40 मिनट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड दैम 0 + 0, 5 + 4, 9 0 90 मिनट्स एंड 7 + 5, 12 hours. ओके, नाउ वी कम द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम वी सब्ट्रैक्ट सेकेंड्स एंड मिनट्स फ्रॉम मिनट. If subtracted seconds are more than we take borrow from the minutes, means we add 60 seconds and seconds, by this upper seconds become more than lower second. Students, addition is very easy of time. But जब हम subtraction करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास digits को subtract करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Borrow करना पड़ता है in normal subtraction. So हम जब हम time का subtraction करेंगे तब भी हम borrow कर सकते हैं. Like subtract 11 minutes 4 seconds from 15 minutes 38 seconds. हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 11 minutes है उन्हें 50 minutes से subtract करना है and 24 seconds को 38 seconds में से subtract करना है. तो वैसे ही जैसे हमने addition में किया था hour को अलग और minute को अलग, तो here I subtract minutes और seconds. तो how many minutes we have? First of all we have more 15 minutes. 15 minutes में से हमें कितने मिनट सब्ट्रैक्ट करने? 11. लाइक इसी तरीके से 38 seconds माइनस 24. तो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 1 गए 4 एंड 1 में से 1 गए 0. तो वी कैन से दैट 4 मिनट्स एंड 40 seconds. नाउ कम ऑन एग्जाम्पल 5, सब्ट्रैक्ट 1 मिनट 40 seconds फ्रॉम 3 मिनट्स 10 seconds. तो अगेन वी राइट इट लाइक दैट कि 1 मिनट्स. अब हमें यहाँ पे देखिए, इट इज़ समथिंग सम डिफरेंट कि 1 मिनट को हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 3 मिनट से. एंड 40 सेकेंड्स को 10 सेकेंड से. चलिए हम अगर मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लगता है 40 मिनट्स जो है वो 10 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 10 सेकेंड्स है ये क्या करेगा? 3 मिनट से बोरो कर लेगा. तो जब भी हम जैसे नॉर्मली हम जब बोरो करते हैं तो हम 1 डिजिट बोरो करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं सेकंड्स के लिए, और हमें पता 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. तो ये कितने बोरो करेगा? 60 सेकंड्स. तो देखिए यहाँ जो 10 सेकंड्स है वो यहाँ पे क्या बन गए? 70. बिकॉज ऑफ आपको पता है कि लाइक जब हम नॉर्मली बोरो करते हैं तो 1 + 1 करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या? 10 सेकेंड्स. लेकिन इसने किससे बोरो किया? 3 मिनट में से. तो हमें पता है 3 मिनट में से सेकेंड्स नहीं है. वी नो वेरी वेल कि 1 मिनट से इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो ये अपने 60 सेकेंड्स इस 10 सेकेंड्स को दे देगा. तो अगर 3 मिनट्स में से 60 सेकेंड्स का है तो हाउ मिनट्स इज रिमेनिंग इज 2 मिनट्स. और ये क्या हो गए? 60 + 10 इज इक्वल्स टू 70 सेकेंड्स. तो हेयर वी राइट 70 सेकेंड्स. और हमें जैसे पता है कि ये जो 3 मिनट्स है इन्होंने अपना 1 मिनट दूसरे को दे दिया था, कैरी कर दिया था. तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे? 2 मिनट्स राइट डाउन करेंगे. एंड नाउ वी राइट 2 मिनट्स 70 सेकेंड्स. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इजिली, 70 में से 40 गए 30 सेकेंड्स एंड 2 में से 1 गए 1 मिनट. सो वी कैन से दैट हेयर वी सब्ट्रैक्ट 1 मिनट फ्रॉम 3 मिनट्स एंड एट 10 सेकेंड्स. सो 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड्स, इट्स मीन 60 + 10 इक्वल्स टू 70 सेकेंड्स. लाइक अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, सब्ट्रैक्ट 4 hours 55 मिनट फ्रॉम 9 hours 20 मिनट्स. अब देखिए हमें 4 hours 55 मिनट को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 9 hours में से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दैट
9 hours एंड हेयर आई राइट द 4 hours एंड देखिए अगेन लाइक दैट जैसा हमारे पिछले एग्जाम्पल में हुआ कि यहाँ पे जो मिनट्स हैं 55 minutes इट इज़ मोर दैन. तो अब ये क्या करेगा, ये अपने पास वाले जो आवर्स हैं उसमें से बोरो कर सकते हैं. हमें पता है कि 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि 1 minute इक्वल्स टू 60 seconds, लाइक दैट कि 1 hour इक्वल्स टू 55 minutes. तो यहाँ पे हम 20 में कितने मिनट्स ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम 20 में 60 minutes ऐड कर देंगे. सो नाउ द न्यू मिनट्स इज 80 एंड द न्यू आवर्स इज 8 बिकॉज 9 इज बिकम्स टू बी एज 8. तो 80 में से 55 गए, सो लेफ्ट इज 25 एंड 8 में से 4 गए 4. तो वी कैन से दैट नाउ व्हेन वी सबट्रैक्ट द नंबर 4 आवर 55 मिनट्स इज रिमेनिंग. नाउ वी डू द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. In the previous both exercise, we have learned how we convert the time units. So you can do this question yourself. Now we come to the question number 2 at the following. यहाँ पे students हमें क्या करना है, हमें addition करना है. तो first sum is like 2 hours 42 minutes and 4 hours 10 minutes. Let's do. Here the number is how many hours we have. First of all, we separate hour and minutes both of. So first of all, I write the hour and then after that minutes. So first of all, that is you that key how many hours we have. 2 hours and 4 hours and how many minutes do we have, 42 minutes and 10 minutes. So first of all now we add them. 2 plus 0 is 2, 4 plus 1 5 and 4 plus 2 6. So the answer is 4 hours 52 minutes. Again the next question is 10 minutes 50 seconds and 8 minutes 20 seconds. अब आप देखिए यहाँ पे मिनट्स एंड सेकंड्स हैं. तो अब आप देखिए कि 0 प्लस 0 5 प्लस 2 7 एंड 10 प्लस 8 18 मिनट्स. सो वी कैन से दैट 18 मिनट्स प्लस 70 सेकंड्स. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. ओके सब्जेक्ट द फॉलोइंग हियर द डिजिट इज 9 आवर्स 32 मिनट्स फ्रॉम 12 आवर्स 18 मिनट्स. देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 9 आवर्स हैं 32 मिनट्स हैं उन्हें हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 12 आवर्स 18 मिनट्स. सो लेट्स डू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेपरेट दैम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया आवर्स एज एंड मिनट्स एज. सो 8 में से 2 गए, वी गेट एज रिजल्ट 6. अब आप देखिए कि यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन ये जो 1 मिनट है ये इससे क्या कर सकता था, कैरी कर सकता था, यू नो कि 18 में से 32 सेकंड्स नहीं जा सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या क्या होगा, ये जो 18 मिनट्स हैं इन्होंने इस 12 आवर से क्या कर लिया होगा, कैरी कर लिया होगा. तो आप देखिए हमारे जो नए आवर्स बन गए वो क्या बन गए, ओके यू कैन सी दैट. तो देखिए अगर इसने इसको अपना 1 hour दे दिया तो हेयर द 11 hours एंड यहाँ पे हमारे जो 18 मिनट्स थे अगर हम उसमें 60 मिनट्स ऐड कर देते हैं इट्स बिकम टू बी 78 मिनट. तो हेयर वी राइट द 78 मिनट्स एंड जो नीचे हमारे जो 9 है वो एज इट इज़ लिख देंगे एंड 32 भी एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर. 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4 एंड 11 में से 9 गए 2. सो एज अ रिजल्ट 2 आवर्स 46 मिनट. Using this method, you can solve all the questions. Now come on the question number 4. Yogesh study 5 hours 30 minutes in school. Ek student hai aap logo jaisa, Yogesh, which is a study is two places. First is in school and after that at his home. Ab aap dekhiye ki Yogesh study 5 hours 30 minutes in school and 3 hours 45 minutes at home. How much time योगेश स्टडी. अब ये बोल रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो स्कूल में भी स्टडी करता है उसके बाद घर पे भी करता है. अब हमें इसका टुगेदरली बताना है कि वो टोटल कितना स्टडी करता है. सो लेट्स डू. सो एज अ वर्ड प्रॉब्लम स्टडी इन स्कूल वी सेपरेट द आवर्स एंड मिनट. सो दैट इज़ 5 hours एंड 30 मिनट्स एंड एडिशन करना है तो 3 hours 45 मिनट. नाउ वी एड 0 + 5 = 5, 3 + 4 75, 5 + 3 8 hours. अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे क्या है, 8 hours 75 मिनट. बट वी नो वेरी वेल 1 hour इक्वल्स ओनली 60 मिनट्स. हम इसे क्या लिख सकते हैं, और 8 hours प्लस 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour प्लस 50 मिनट्स, तो 9 hours 15 मिनट्स. नाउ कम ऑन क्वेश्चन 5. द डिस्टेंस बिटवीन भरतपुर एंड धौलपुर इज 90 किलोमीटर.
Rakesh covered this distance by car in 2 hours 12 minutes and Feroz traveled this distance in 3 hours 8 minutes. Compare the time taken by both. In this question, you have to do subtraction. Mohan ran for 3 hours 27 minutes. देखिए, एक student है Mohan and the another person is that Rakesh ran 2 hours 45 minutes. Who ran for more time? And how much? देखिए स्टूडेंट, जो कंपैरिजन की बात होती है तो हम कैसे चेकआउट करते हैं? वी डू सब्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड भरतपुर इज 250 किलोमीटर एंड द बस ट्रेवल दिस इन 4 आवर्स 20 मिनट्स एंड अनदर बस ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन 2 आवर्स 45 मिनट्स. हाउ मच टोटल टाइम बोथ बस टेकन टू रीच? तो वी कैन यूज द कंपैरिजन इन इट, सो वी कैन चेक इट बाय using the subtraction method. Now come on question number 8. At 2 hours 45 minutes and 3 hours 60 minutes, it is very easy, you can do it very well. Straight true or false? Here are some of the things. कि अब आपको बताना है कि कुछ exercise है. तो 2 convert minute into a seconds with divided by 60. ये क्या बोल रहे हैं हमें कि अगर हमें minutes को किस में convert करना हो, 60 में convert, seconds में convert करना है. मतलब कि बड़े को छोटे में convert करना होता है, तो can we divide it? तो we can write the answer. False. There are 3600 seconds in 1 hour. We know very well that 1 hour equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. But when we multiply 60 by 60, we get as result 3600. So this statement is true. Minute hands of clock cover 60 small division and same direction. Hour hand of clock cover 1 big division. ये क्या बोल रहे हैं कि जो minute hand होता है, you know कि clock में 2 type के hands होते हैं. एक सेकेंड हैंड होता है और मिनट हैंड होता है. और हमें पता है कि 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स. और जो वी नो वेरी वेल कि 60 स्मॉल पार्ट्स हमारी क्लॉक पे होते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि मिनट हैंड ऑफ क्लॉक कवर 60 स्मॉल डिवीजन इन सेम ड्यूरेशन आवर एंड ऑफ क्लॉक कवर इन 1 बिग डिवीजन. यस, कि जो हमारा जो आवर एंड होता है वो कितने पार्ट्स यूज़ करता है? 12. बट जो मिनट होता है वो 60 टाइम्स अपने रोटेशन को कंप्लीट करता है. सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द लास्ट वन इज हाफ आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स. नो, यू नो दैट कि 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स. एंड व्हेन वी हाफ इट, अगर हमें इसका हाफ करना होगा तो वी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा, सो हियर द स्टेटमेंट इज 15 मिनट्स. सो इट इज फॉल्स. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. Do all the questions properly and watch the videos properly. Thank you all.